केदार जी के आप दर्शन करने जा रहे हैं, उसके पश्चात आज का नाइट स्टे आपका जोशीमठ ज्योतिर्मठ में है, जहाँ पे भगवान बद्री विशाल की 6 महीने की जो शीतकालीन पूजा होती है, शीतकाल जी की जो गद्दी होती है वो जोशीमठ में होती है। जोशीमठ में आप ज्योतिर्मठ और कल्पवृक्ष के दर्शन करने के लिए अवश्य प्रोग्राम। थैंक यू। महाभारत के अनुसार जब पांडव भगवान शिव की खोज कर रहे थे, तभी ब्रह्महत्या के अपराधी पांडवों को मिलने से बचने के लिए शिवजी ने खुद को एक बैल में बदल लिया। हालांकि जब भीम ने बैल को पकड़ने की कोशिश की तो वह गायब हो गया और बाद में 5 स्थानों पर शरीर के अंगों में फिर से प्रकट हो गया, जिसे वर्तमान में पंच केदार के रूप में जाना जाता है। पहले यह ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग पर हेलंग के निकटतम सड़क से केवल 12 किलोमीटर ट्रेक द्वारा पहुंचा जा सकता था, लेकिन अब यह सड़क देवग्राम गांव तक जाती है, जहां से ट्रेक अब केवल 300 मीटर है। कल्पेश्वर भारत में उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में उर्गम घाटी में 7200 फीट की ऊंचाई पर स्थित शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है। महाकाव्य महाभारत के नायक पांडवों से जुड़ी मंदिर की प्राचीन कथा शिव के 5 शारीरिक दिव्य रूपों के पंच केदार 5 मंदिरों का 5वां मंदिर है। उनकी पूजा के क्रम में अन्य 4 मंदिर केदारनाथ, रुद्रनाथ, तुंगनाथ और मध्यमहेश्वर मंदिर हैं। कल्पेश्वर एकमात्र पंच केदार मंदिर है जहां साल भर पहुंचा जा सकता है। इस छोटे से पत्थर के मंदिर में एक गुफा मार्ग से होकर भगवान शिव की जटाओं की पूजा की जाती है, इसलिए भगवान शिव को जटाधर या जटेश्वर भी कहा जाता है। कैसा लगा आपको यहाँ पर आकर? कल्पेश्वर महादेव प्रकृति की गोद में है साहब, चारों तरफ नदियाँ, झरने, पेड़, ठंडी हवा, बहुत आनंद हुआ। बहुत बढ़िया। Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya.